डिजिटल बोर्ड जो कि एक काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी टीचर चाहता है कि अगर ईएमआई के ऑप्शन अवेलेबल हो जाए तो डेफिनेटली वो उसको ऑप्ट करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सभी उन ऑप्शंस के बारे में, इनफैक्ट सभी जेन्युइन ऑप्शंस के बारे में जिसकी हेल्प से टीचर्स को ये लोन या ईएमआई ऑप्शंस मिल सके। मैं इनफैक्ट एक सीरीज भी शुरू कर रहा हूँ अपने इसी ही चैनल पे कि क्या क्या वो ऑप्शंस हैं जिसमें आपको ईएमआई मिल सकती है डिजिटल बोर्ड और स्टूडियो सेटअप के लिए, और क्या क्या ऑप्शन हैं जिनको ऑप्ट आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरा ये चैनल काफ़ी छोटा चैनल है तो मे बी आपकी रिकमेंडेशन में नहीं आता होगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो मेरा नाम हितेश कपूर है एबिलिटी इन्फोटेक से, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे जेन्युइन ऑप्शन है, सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे, वो है बैंक लोन। बैंक लोन ही क्यों सबसे पहला और जेन्युइन ऑप्शन है, क्योंकि एज ऑफ नाउ डिजिटल बोर्ड या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसी बैंक के साथ टाई अप में नहीं है। तो उसकी वजह से ना तो आपको 0% इंटरेस्ट वाले ऑप्शंस मिल सकते हैं, ना ही बजाज या ऐसे कुछ जो दूसरे ऑप्शंस हैं उसमें आपको ये फैसिलिटी मिल सकती है। तो बैंक लोन ही सबसे अच्छा ऑप्शन क्यों है, क्योंकि बैंक लोन की हेल्प से आप एज ऑफ नाउ इकोनॉमिकल रेट में अपना ये प्रोडक्ट करवा सकते हैं। दूसरा सबसे आसान क्यों है, और हम जो रिकमेंड करते हैं कस्टमर को, अपने टीचर्स को, कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक में, क्योंकि आपका ऑलरेडी KYC है, उसी बैंक में आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, तो प्लस आपके बैंक में आपके रिलेशन भी अच्छे हैं, तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये लोन सबसे जल्दी मिल सकता है। तीसरा, एज कम्पेयर टू किसी नई जगह जो आपको नहीं जानते, उसके मुकाबले आपका बैंक आपको जानता है तो आपके लोन अप्रूव होने की जो रेशो है वो कहीं ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं एक बैंक से लोन करवाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपका बैंक आपका KYC करता है, डॉक्यूमेंट ज़्यादातर KYC के ऑलरेडी बैंक के आपके पास हैं, तो जस्ट आपको उसी को रिवाइज करना होता है। दूसरा, कोटेशन। कोटेशन के केस में बैंक एक कोटेशन मांगता है जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स, उस पर टैक्स, उसका GST, सभी तरह के की जो लीगल और जो टैक्स रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो वो उसमें मेंशन होती हैं। हम लोगों के पास ऑलरेडी बना हुआ फॉर्मेट है, तो जब भी हमारे किसी कस्टमर को लोन चाहिए होता है तो वो हम फॉर्मेट शेयर करते हैं बैंक में, तो वो कस्टमर का अप्रूवल आ जाता है उस पर, ज़्यादातर कस्टमर्स का। तीसरा, आपको ध्यान देना है कि 100% लोन कुछ ही कस्टमर्स को मिल पाता है। मान लीजिए कोई स्टूडियो या कोई प्रोडक्ट आपका 3 लाख रुपए का है, तो जब आप 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट की कोटेशन बनवाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो 3 लाख रुपए ही पूरे आपको अप्रूव हो जाए। आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आपके बैंक के साथ रिलेशन, कई चीज़ें मैटर करती हैं आपके लोन के कितने परसेंट अप्रूव होने की गुंजाइश पे। तो 100% भी होता है, कई कस्टमर्स का 100% हुआ है, कुछ का 80% होता है, कुछ का 60% होता है, डिपेंड करता है आपकी ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो ये ट्रांजेक्शन वाला जो पार्ट हो गया। चौथा, जो पेमेंट आती है, यानी अगर आपकी कोटेशन अप्रूव हो जाती है तो उस केस में दो ऑप्शन बैंक के पास होते हैं, या तो वो हम एज अ डीलर हम लोगों को डायरेक्टली पे करता है, या फिर वो आपको डायरेक्टली ट्रांसफ़र करता है। तो दोनों केस के बारे में अगर आप डिस्कस कर सकते हैं, यानी अगर आप जिस वेंडर से लेना चाह रहे हैं उसके साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं तो वो ऑप्शन भी आप ले सकते हैं कि बैंक डायरेक्टली आपके डीलर को ही पेमेंट कर दे। अगर अभी भी कुछ गुंजाइश है तो आप वो पेमेंट अपने अकाउंट में ले सकते हैं, अगर आपकी अभी भी नेगोशिएशन चल रही है। तो ये तो कुछ ऑप्शंस हो गए बैंक से डायरेक्टली आपके लोन अप्रूव करवाने के। अब हम बात करते हैं किन ऑप्शंस पे आपको जाना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन जिसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए वो है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि अगर आपको मुद्रा लोन मिल पाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है तो आपकी जो EMI पे जो इंटरेस्ट जाएगा वो कम से कम जाएगा। अगर मुद्रा लोन इन एनी केस अगर आपको नहीं मिल पाता, तब आप उस केस में इक्विपमेंट लोन, बिजनेस लोन या पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मुद्रा लोन। बाकी इन इस टाइप के लोन्स में इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, बट अगर स्टिल आपका डेडिकेशन है, अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप उस ऑप्शन पे जा सकते हैं।
अब मैं बात करता हूँ कि किन ऑप्शंस को आपको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करने के लिए रीजन ये है क्योंकि उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लोन के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो वो है क्रेडिट कार्ड। बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन में कोई मजबूरी है, मतलब किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में आप क्रेडिट कार्ड का यूज करें, क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई बनवाएं, क्योंकि उस बात का ख्याल आप जरूर रखें कि आपका इनकम का फ्लो जो है वो रेगुलर हो, क्योंकि इन केस अगर आपकी एक भी ईएमआई अगर बाउंस हो जाती है तो फिर आपका वो आप उस जाल में फंस जाएंगे। तो आपको ये पहले इंश्योर करना है अपने आप को कि आपका इनकम का जो फ्लो है वो अगर स्टेबल है तभी आप ईएमआई क्रेडिट कार्ड के ऊपर सोचें, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका वैसे ही हायर है, ऊपर से अगर कुछ अगर बाउंस हो गया तो फिर उसका और भी आपको पेनल्टी, और वो मतलब बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ही आप क्रेडिट कार्ड की तरफ जाएं। अभी मैं कुछ टाइम से ये देख रहा हूँ कि कुछ मार्केट प्लेस पे लोगों ने प्रोडक्ट अपने रजिस्टर्ड करे हैं और उन प्रोडक्ट पे वो ईएमआई के ऑप्शंस दे रहे हैं, लेकिन ईएमआई के जो ऑप्शंस वो दे रहे हैं उसमें, और अगर आप उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली उनसे परचेज करते हैं तो सिर्फ डिजिटल वोट पे ही करीब 50,000 रुपये का फर्क आ जाता है। यानी अगर आप जाएं कहें कि मुझे ईएमआई नहीं चाहिए, डायरेक्टली परचेज करना है, तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट एक्स होगी। अगर आप कहें मुझे ईएमआई पे परचेज करना है तो वो आपको जो लिंक शेयर करेंगे उसमें एक्स प्लस 50,000 रुपये कॉस्ट ऐड हो जाएगी। तो आपको तो लग रहा है कि आपकी ईएमआई बन गई, लेकिन उसी सेम प्रोडक्ट की आप कॉस्ट करीब करीब 50,000 रुपये तक भी ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो इस तरीके के ट्रैप से आप बचें और थोड़ा सा रिसर्च कर लें उस प्रोडक्ट के बारे में जो आप लेने जा रहे हैं, और डिजिटल बोर्ड की बाइंग गाइड, जेन्युइन जो बाइंग गाइड है वो भी सीरीज़ मेरे इस चैनल पे शुरू होने जा रही है, क्योंकि हम लोग शुरू से, यानी जब ये टेक्नोलॉजी जब इंडिया में आई है, जब ये बूम पे आई है, तभी से ही डिजिटल बोर्ड्स बेच रहे हैं, स्टूडियो सेटअप्स कर रहे हैं, हजारों स्टूडियो सेटअप कर चुके हैं, मैक्सअप के हम लोग गोल्ड पार्टनर्स हैं, पैन इंडिया हमारा सर्विस है, सपोर्ट है। तो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये डेली के एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस, डिजिटल बोर्ड, स्टूडियो सेटअप्स या सराउंडिंग जो इसके टेक्नोलॉजीज हैं, OBS, कैमरा सेटिंग, इस तरीके की वीडियोस अगर आपको देखने होते हैं तो आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेरी है, अभी भी बच गई है, या आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो डेफिनेटली मैं आपका रिवर्ट करूँगा। और अगर ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ज़्यादा लोग अगर उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करेंगे तो उसके लिए एक वीडियो भी बना दूँगा।